हेलो गाइस, मेरा नाम है आदर्श। अगर आपको बजट 20,000 रुपीज़ से बेस्ट फ़ोन परचेज करने का आप सोच रहे हो तो ये बेस्ट टाइम आपके लिए आ चुका है। इस बात करें तो फ्लिपकार्ट की बिग 7 डेज सेल स्टार्ट हो चुकी है, जो 13 जून से लेकर 16 जून तक होने वाली, यानी आज से सेल स्टार्ट हो चुकी है। ये जो सेल, इसमें बहुत सारे फ़ोन की प्राइस भी ड्रॉप हुई है, विथ उसके साथ में आपको बैंक के डिस्काउंट्स ऑफर भी देखने को मिल रहे हैं। तो कौन कौन से फ़ोन से और कैसे आपको परचेज करना है, इस वीडियो में सारी बातें करने वाले हैं। तो चलिए फिर आरम्भ करते हैं। फर्स्ट ऑफ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फ्लिपकार्ट की सेल है तो इसमें आपको रेडमी के फ़ोन्स देखने को नहीं मिलेंगे और सैमसंग के ज़्यादा करके फ़ोन्स देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो रेडमी और सैमसंग के ज़्यादा करके जो फ़ोन्स होते हैं वो अमेजोन एक्सक्लूसिव होते हैं, ओनली ऑन अमेजोन पे आपको देखने को मिलते हैं। तो ये बात को आपको ध्यान में रख लेना। तो बात कर लीजिए फर्स्ट ऑफ फर्स्ट स्मार्टफोन के बारे में, तो ये रियलमी 8 4G, इसकी रियल प्राइस 15,000 रुपये में लॉन्च हुआ था और ये अगर आप सेल में परचेस करते हो तो आपको 14,000 रुपये की प्राइस में देखने को मिलेगा। बात कर लीजिए स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो इसमें आपको जो है एक एमोलेड पैनल देखने को मिल रहा है, मीडियाटेक का G95 प्रोसेसर देखने को मिल रहा है, 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिला है। यानी बात कीजिए 14,000 रुपये की प्राइस में बेस्ट है। और इसके साथ में जितने भी मैं आपको फोन से बताऊंगा उस पर SBI क्रेडिट कार्ड एक ऑफर भी अप्लीकेबल हो रहा है, जैसे मैं आपको एक बार में बता देता हूँ और वो सारे फोन के साथ में अप्लीकेबल ये हो जाएगा, ठीक है। अगर आप SBI के क्रेडिट कार्ड से डायरेक्ट पे करते हो तो आपको 700 रुपये का डिस्काउंट देखने को मिलेगा, और अगर आप EMI कराते हो तो आपको मैक्सिमम 1,000 रुपीज़ का डिस्काउंट देखने को मिलेगा, ठीक है। मतलब EMI पे 1,000, और अगर आप ऐसे परचेस करते हो डायरेक्ट तो आपको 700 रुपये का, ठीक है, आप तो समझ ही होंगे। और बात कर लीजिए सेकंड स्मार्टफोन के बारे में, तो ये पोको X3 प्रो जो अभी रिसेंटली आया था 19,000 रुपये की प्राइस में आया हुआ था, और आपको ये सेल में ये 17,000 रुपये का देखने को मिलेगा। 2,000 का इंस्टेंट डिस्काउंट तो ये हो गया, प्लस जो मैंने क्रेडिट कार्ड वाला डिस्काउंट बताया था मैं सारे में नहीं बताऊंगा, आपको एक्स्ट्रा एड और कर लेना उसमें, ठीक है, तो इससे और ज़्यादा सस्ता हो जाएगा। बात करें तो इसमें आपको कॉलकॉम स्नैपड्रैगन का 860 फ्लैगशिप प्रोसेसर देखने को मिलता है, 120Hz के IPS पैनल देखने को मिलता है, 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। जो पूरा फ़ोन है वो एकदम गेमिंग लोगों के लिए डेडिकेटेड है। अगर आप गेम खेलने के लिए फ़ोन ढूंढ रहे हो तो अंडर 20,000 इससे अच्छी जो प्रोसेसिंग पावर और कोई फ़ोन नहीं दे सकता है। बात ये थर्ड स्मार्टफोन के बारे में, तो है रियलमी X7 5G। जैसे कि ये 5G फ़ोन है और जो स्टार्टिंग में जब लॉन्च हुआ था तो आई थिंक ये 20,000 रुपये का देखने को मिला था, और अब ये सेल में आपको 18,000 रुपये का देखने को मिल रहा है। 18,000 रुपये प्लस बैंक ऑफर आपको अलग से लगाना है। इसमें जितना भी आपको प्राइस बताऊंगा ये डायरेक्ट वाला, इसमें बैंक ऑफर आप अलग से लगाओगे आपको और डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। यानी अगर आप EMI पे लेते हो तो उसमें 1,000 और प्लस कर देना, अगर आप डायरेक्ट परचेस करते हो तो 700 रुपये और उसमें प्लस कर सकते हो। बात कर लीजिए रियलमी X1 5G के बारे में, तो इसमें आपको 6.4 इंच की AMOLED पैनल देखने को मिलता है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है, इसमें आपको MediaTek का 800U प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, और इसमें आपको टोटल 4 बैंड्स का सपोर्ट देखने को मिलता है। यानी नाम के लिए खाली 5G नहीं दिया है, इसमें 5G सपोर्ट भी करेगा, ये कन्फर्म है। और बात की तो इसमें आपको जो है 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, इसमें आपको 65W का फास्ट चार्जर सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। जो पूरा फ़ोन है वो हैंडी फोन है, और अगर आप एक बार फोन परचेस करोगे, एक बार आप यूज करोगे तो जो आपका एक्सपीरियंस है बहुत कमाल हो जाएगा। इसमें आपको रियलमी UI भी देखने को मिलता है। जैसे बात कर लीजिए तो मैं पिछले 1 महीने से रियलमी UI यूज कर रहा हूँ, जैसे रियलमी X50 प्रो में, और मुझे बहुत पसंद है। अगर आप रियलमी UI अगर आप एक बार यूज करोगे तो आपका एक्सपीरियंस भी कमाल हो जाएगा। बात कीजिए ओवरऑल ये फोन बढ़िया है, और चैनल पर मैंने ऑलरेडी इसका अनबॉक्सिंग और फुल रिव्यू दोनों डाल रखा है, आप वो जरूर देख लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दोनों जगह प्रोवाइड कर दूंगा। और बात कीजिए सैमसंग का F62, जैसे बात कीजिए इसकी प्राइस होती है वो 26,000 रुपये के आसपास देखने को मिलता है, 26-25 ऐसा देखने को मिलता है। और बात कर लीजिए ये आपको सेल में 20,000 रुपये का देखने को मिला है सैमसंग का F62। बात कर लीजिए तो इसमें आपको एक्सोनोस 9825 जो एक टाइम पे फ्लैगशिप प्रोसेसर निकल गया था, और बात कीजिए इसमें AMOLED पैनल देखने को मिल जाता है, 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, इसमें आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, 7,000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाता है। यानी बात कीजिए ये फोन अगर आप एक कैमरा सेटअप फोन ढूंढ रहे हो, आपको अगर एक अच्छा डिस्प्ले वाला फोन चाहिए तो आप ये फोन की तरफ जरूर जा सकते हो। हालांकि बहुत हाई फाई गेमिंग नहीं कर पाओगे आप, बस आपको ये ध्यान में रख लेना कि सैमसंग ज़्यादा करके जो एक्सिनोस वाले प्रोसेसर होते हैं उसमें आप गेमिंग बहुत अच्छा नहीं कर पाओगे, आपको ये मान ही लेना। एक्सिनोस का चाहे जितना भी अच्छा आ जाए प्रोसेसर, हाल फिलहाल में अभी जिस टाइम पर चल रहा है कोई भी आपको बहुत अच्छी गेमिंग नहीं देगा। अगर आप गेमिंग के लिए ढूंढ रहे हो तो MediaTek Dimensity जो प्रोसेसर है या G प्रोसेसर जो चलता है MediaTek का, फिर बात करिए Snapdragon प्रोसेसर, ये सारे आपको गेमिंग में एफिशिएंसी अच्छी देते हैं लेकिन एक्सिनोस का उतना अच्छा नहीं देगा। अगर बात की तो Realme Narzo 30 Pro
5G। इससे पहले हमने आपको रियलमी X1 5G बताया था ना, सेम वैसे ही है, मतलब उसे थोड़ा हर चीज़ में डाउनग्रेड कर दिया गया है और ये भी आपको 5G फ़ोन देखने को मिलता है। बात कर लीजिए तो इसकी प्राइसिंग 17,000-18,000 ऐसे चलती रहती है और जो है इस आपको सेल में उन्हें 15,000 रुपये देखने को मिलने वाला है। इस बात कर लीजिए तो इसमें आपको 800U का प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है, ये फ़ोन 5G है, इसमें आपको 120Hz का IPS पैनल देखने को मिलने वाला है, 5000 में इसकी बैटरी देखने को मिलने वाला है, 30W का फास्ट चार्जर देखने को मिलने वाला है, 14MP का क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलने वाला है। नहीं बात जो फ़ोन है वो बढ़िया है, डिसेंट और प्लस 5G निकल के आ जाता है। और अगर बात कीजिए तो है रियलमी 7 प्रो, जैसे लगभग 20,000 रुपये ये फ़ोन प्राइस में निकल के आया था और ये आपको सेल में 16,000 रुपये का देखने को मिल रहा है और भाई ये 2020 का बेस्ट स्मार्टफोन आप समझ के चल सकते हो। बात कर लीजिए तो इसमें आपको 6.4 इंच के सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल रहा है, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 720G प्रोसेसर देखने को मिल रहा है, 4200mAh की बैटरी देखने को मिल रहा है, 65W का फास्ट चार्जर का सपोर्ट देखने को मिल रहा है। और बात जो पूरा फोन का लुक है वो बहुत शानदार है। और बात कर लीजिए कि रियलमी के जितने भी फोन होते हैं वो बहुत हैंडी फोन होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो ये रियलमी का X50 Pro 5G फोन है और ये बहुत हैंडी फोन है। MI के जितने फोन होते हैं वो आपको बल्कि देखने को मिलते हैं, बड़े देखने को मिलते हैं, लेकिन जिनको अगर हैंडी फोन चाहिए तो आप रियलमी का फोन जरूर एक बार कंसिडर कर सकते हो। बात कर लीजिए रियलमी 7 प्रो भी आपको बढ़िया देखने को मिल जाता है। तो जितने भी फोन मैंने आपको बताया एकदम बढ़िया है, अंडर 20,000 में आप आग बंद करके ले सकते हो। ये तो डिस्काउंट ही प्लस बैंक ऑफर, SBI के क्रेडिट कार्ड मैंने आपको बताया EMI पे 1,000 रुपीज़ डिस्काउंट यानी 1,000 रुपये, और अगर आप डायरेक्ट परचेस करते हो तो अप टू 700 यानी 700 रुपये का डिस्काउंट देखने को मिल जाता है। और भाई फ्लिपकार्ट की सेल है तो आपके मन में दो फोन्स का नाम जरूर आ रहा होगा, फर्स्ट है IQ3 जो लगभग 25,000 रुपीज़ का देखने को मिल रहा है, भाई उस सेल में आ ही नहीं रहा है। यस मैंने बहुत ट्राई किया, हालांकि आप भी ट्राई करते रहिएगा, 13 से 16 के बीच में चल ही रहा है तो आप जरूर एक बार ट्राई कर लीजिएगा, अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। और बात की जाए रियलमी X50 Pro 5G, यस मैंने भी ये सेल में लगभग 24,000 रुपीज़ का परचेज किया था बैंक ऑफर लगाने के बाद में। और भाई ये भी फ़ोन सेल में नहीं है क्योंकि भाई मेरे से बहुत सारे लोग पूछते रहते, हालांकि 31,000 वाला है 12GB रैम वाला जो है वो है ऑफर में आया हुआ है, आप ले सकते हो, लेकिन जो 25,000 रुपीज़ वाला था ये अभी तक आया नहीं है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप 3 दिन की जो सेल चले जरूर आप चेकआउट करते रहिएगा, अगर अचानक मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। हालांकि मैं तो इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम में आपको कहीं ना कहीं बता ही दूंगा, ये बात 100% फिक्स ही है। फिर अगर आप ट्विटर पर चाहो तो ट्विटर पर मुझे फॉलो कर लो, मैं ट्विटर पर भी आपको जरूर अपडेट कर दूंगा। लेकिन अभी जो हाल फिलहाल में कोई भी सेल में दिख ही नहीं रहा है, इस मेरे से बहुत सारे लोग कमेंट किए थे कि मैंने इसका ये परचेस किया था, उसके बाद मैंने इसके सारे रिव्यूज़ किए। वैसे अगर आप रियलमी X50 Pro 5G परचेस करने की सोच रहे हो तो इससे रिलेटेड सारे वीडियो मैंने बना चुके हैं। बस बात कर लीजिए कि कैमरा रिव्यू, कैमरा टेस्ट, GCam, बात की जाए PUBG टेस्ट, फुल रिव्यू, अनबॉक्सिंग सारा मैंने अपलोड किया, भाई उस पर मुझे यही कमेंट देखने को मिलता है कि भाई 25,000 वाला देखने को नहीं मिला, तो अभी भी ये सेल में नहीं आया, हालांकि हाथ हाथ में आपको अपडेट कर दूंगा। तो चलेगा, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद जो बेल आइकन है उसे भी दबाएं, सर और एक्साइटिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।